हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एस व्यास, यू बी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने आज अपने क्वेश्चन भेजे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाइपोकोटाइल एंड हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। ठीक, अब चूंकि आपको थोड़ा सा हाइपोकोटाइल एंड हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन ये होमोफोनिक लग रहा है, तो आपको लग रहा है इनमें कोई आपस में रिलेशन है, लेकिन नहीं। हाइपोकोटाइल का हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन का एपिकोटाइल से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या काम करता हूं, एक डाइकॉट सीड का डायग्राम बना के दिखाता हूं। डाइकॉट सीड, ठीक, यहां पहले लिखा हुआ है डाइकॉट सीड, मैं मोनोकॉट की भी बात नहीं कर रहा। ठीक, मैं आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है। दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक पॉइंट से, इस पॉइंट से, दीज आर टू कोटिलीडन, ये लीजिए, ये मैंने दो कोटिलीडन बनाए हुए हैं। ठीक, अब इसके अराउंड दिस वन इज द सीड कोट, ये सीड कोट बनाया है मैंने, एक और बना देता हूं आउटर एंड इनर, ये लीजिए। ये एक डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे ये एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, ताकि इसकी एक एक लाइन आपकी मेमोरी में रहे। तो ये मैंने एक सीड बना दिया आपके सामने। अब देखिएगा, ये जो मैंने मिड वाली एक्सिस मैंने बनाई थी, इसको मैंने बोला था एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये जो इतना सा पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, इट इज कॉल्ड एपिकोटाइल एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। मींस ये जो कोटिलीडन है और कोटिलीडन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के जिस पॉइंट से अटैच है उसको मैं बोलता हूं कोटिलीडनरी नोड। तो पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूं, दिस वन इज द कोटिलीडनरी नोड, ये लीजिए। और ये पूरी एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसी को मैं बोलता हूं टिगेलम और कॉल्ड टिगेलम। लीजिए, ये दोनों ही आपको टर्म याद होना चाहिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम, उसका सेकंड नाम है। अब देखो, ये जो कोटिलीडनरी नोड है, इससे अपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसको मैं बोलता हूं एपिकोटाइल, दिस वन इज द एपिकोटाइल। बात समझे, ये जो क्या है एम्ब्रियोनल या कोटिलीडनरी नोड है, ठीक है ना, ये कोटिलीडनरी नोड है, अपर वाला पोर्शन किसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको मैं क्या बोलता हूं एपिकोटाइल, एंड लोअर वाले पोर्शन को बोलता हूं हाइपोकोटाइल। ठीक, तो आपका पहला हो गया हाइपोकोटाइल। तो देखिए, आप उसी डेफिनेशन को देखें, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस
which is present below the cotyledonary node. यानी cotyledonary node जो है उससे नीचे वाला embryonal axis का जो portion है उसको मैं क्या बोलता हूँ hypocotyl और upper वाले portion को क्या बोल देता हूँ epicotyl. अब ये जो hypocotyl का apex है ये लीजिए this one is the apex of hypocotyl. इसको मैं बोलता हूँ this one is called radical. ये लीजिए रेडिकल की भी परफेक्ट डेफिनेशन आपके पास आ गई. द एपेक्स ऑफ हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड रेडिकल. चलिए अगर आप बात करें प्लम्यूल की दिस वन इज द प्लम्यूल मींस एपेक्स ऑफ एपिकोटाइल. ये लीजिए एपेक्स ऑफ एपिकोटाइल एपी कोटाइल इज प्लम्यूल. ये लीजिए और रेडिकल क्या है इट इज द एपेक्स ऑफ हाइपोकोटाइल. ये लीजिए ठीक. अब जनरली जो यहां मैंने फिलअप किया हुआ है दिस वन इज द एंडोस्पर्म दिस वन इज द एंडोस्पर्म. जनरली इट इज एब्सेंट इन डाइकॉट्स. मैं यहां मेंशन कर देता हूं एब्सेंट ये माइनस का साइन लगा के एब्सेंट इन डाइकॉट्स बट एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन कैस्टर. एनसीईआरटी ने इसको मेंशन कर रखा है कैस्टर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा एंडोस्पर्म कि डाइकॉट्स में एब्सेंट होता है ठीक. आउटर सीड कोट इट इज कॉल्ड टेस्टा एंड दिस वन इज द इनर सीड कोट कॉल्ड टेगमेन. ये मैंने एक डाइकॉट का सीड आपके सामने बना दिया है ठीक. अब यहां से देखिए जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन क्या है तो देखिएगा सपोज करिए दिस वन इज द सीड. ये एक सीड है ये डाइकॉट सीड है ठीक. जब आपने इसको सो किया जमीन में बोया तो देखिए ये लीजिए ये सीड जर्मिनेट हुआ ठीक. अब अगर आप देखेंगे इस सीड में तो ये जो कोटिलीडन थे ये कन्वर्ट हो गए कोटिलीडनरी लीप्स में. अब मान लिया क्या हो जाए ये वाला पोर्शन दिस वन ये तो क्या है हाइपोकोटाइल और इसका जो एपेक्स था दिस वन इसको मैंने बोला था रेडिकल एंड दिस वन इज द एपिकोटाइल और इसके एपेक्स को मैंने बोला था प्लम्यूल ठीक. एंड दीज आर कॉटिलीडनरी लीप्स. मैं इनको कॉटिलीडनरी लीप्स बोलूंगा ठीक. ये ग्रीन हो गई है फोटोसिंथेटिक हो गई. अब मान लिया क्या हो जाए इसकी दो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं. सपोज करो हाइपोकोटाइल की ग्रोथ कम हो और एपिकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो देखिएगा सिचुएशन क्या आएगी. ये लीजिए
स्थिति देखी आपने, ये सॉयल है, दिस वन इज द सॉयल, यहां मैंने आपको दिखाया मोर ग्रोथ इन एपिकोटाइल, दिस वन इज द एपिकोटाइल, और इसकी ग्रोथ कैसी होगी, ज्यादा, दिस वन इज द हाइपोकोटाइल, और अगर इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कैसे हुई, कंपैरेटिवली कम हुई, देन कॉटिलिडन रिमेन एम्बेडेड इनटू द सॉयल। ये जो कॉटिलिडन है, जो अब कॉटिलिडनरी लीव्स है, कॉटिलिडनरी क्या बन गई है अब ये लीव्स, वो कैसे हो गए, सॉयल के नीचे अंदर एम्बेड हैं, धसे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं। तो इस टाइप के जो जर्मिनेशन को मैं बोलता हूं, दिस वन इज द हाइपोजियल, हाइपोजियल, दिस वन इज द हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। तो अब आपके मीनिंग समझ में आया, अगर आप देखेंगे हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में, तो आप कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, मोर ग्रोथ इन एपिकोटाइल वाइल लेस ग्रोथ इन हाइपोकोटाइल, सो दैट कॉटिलिडन रिमेन एम्बेडेड इन टू द सॉयल। और इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे किस में मिलेगा, तो आप बोल देना ग्राउंड नट, तभी तो देखो इसका बोटेनिकल नेम देखिएगा, नाम क्या दिया गया है, अराकिस हाइपोजिया, देखो टर्म, इसका बायोलॉजिकल नेम भी देखें, बोटेनिकल नेम देखें इसका, अराकिस हाइपोजिया, इसमें जर्मिनेशन कैसा है, हाइपोजियल, सीड भी कहां लगते हैं, बिलो द सॉयल, ठीक। चलिए ये बात हुई, अब अगर मैं इसका सेकंड कंडीशन बोलूं तो देखिएगा, दिस वन इज द एपीजीएल सीड जर्मिनेशन, ये लीजिए, यहां आपने देखा क्या हुआ, दिस इज द सॉयल, ये सॉयल है। अब यहां की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, दिस वन इज द एपिकोटाइल, इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो कैसे हुई, कंपैरेटिवली कम, दिस वन इज द हाइपोकोटाइल, और इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो कैसी हो गई है, थोड़ी ज्यादा, ठीक। तो दीज आर कॉटिलिडन और कॉटिलिडनरी लीव्स क्या हो गई हैं, कम्स आउट ऑफ द सॉयल, ठीक। अब देखो यहां क्या हुआ, एपीजियल सीड जर्मिनेशन में, एपीजियल में कब बोलता हूं, जब कॉटिलिडन कहां जाए, सॉयल के बाहर आ जाए, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, एपीजियल। और ये लीजिए एपीजियल सीड जर्मिनेशन है, ठीक। अब आपको एपीजियल में क्या बोलना है, उल्टा बोलना है, आप इतना ध्यान रखें, उल्टा बोलना है, जब हाइपोजियल बोले सीड जर्मिनेशन तो एपिकोटाइल में मोर ग्रोथ, जब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन के बाद दूसरा बोले एपीजियल सीड जर्मिनेशन तो आप कह देना हाइपोकोटाइल में मोर ग्रोथ, बस आपको इतनी सी लाइन बोलनी है, ठीक। ये आपका डाइकॉट सीड का डायग्राम भी हो गया। नेक्स्ट वन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर सेकेंडरी होस्ट, ठीक है ना, गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो स्टूडेंट पूछते हैं वो हमेशा एक बात ही पूछते हैं, सर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन, एक ही लाइन पूछते रहते हैं। आप पहले स्टूडेंट हो जिसने सेकेंडरी होस्ट के लिए पूछा है, पहली बात तो अगर सेकेंडरी होस्ट देखोगे देन इट इज
female anopheles, ठीक है ना। और इसके लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है मैं बोलूंगा गैमिटोसाइट्स, ठीक। अब लाइन को सुने आप, गैमिटोसाइट्स प्राइमरी होस्ट के लिए क्या है, अगर आप बात करेंगे किसके लिए, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, और प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन, देन उसके लिए है स्पोरोजॉइट्स, कहां है ये, प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट मींस फीमेल एनोफिलीज। अब देखिए क्या होता है, जब एक इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, सक करती है, देन ऑल द ब्लड स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल द, मैंने क्या बोला, ऑल द ब्लड स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर सक्ड बाय फीमेल एनोफिलीज एक्सेप्ट गैमिटोसाइट्स, ऑल आर डाइजेस्टेड, यानी गैमिटोसाइट के अलावा सारी क्या कर ली जाती हैं, डाइजेस्ट कर ली जाती हैं, और ये जो गैमिटोसाइट्स हैं दे कन्वर्टेड इनटू गैमेट्स, गैमेट्स में फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, उकाइनेट्स, ऊ काइनेट, ठीक, डबल ओ कर दिया, आप सिंगल भी लगा सकते हैं, उकाइनेट, और उकाइनेट डिवाइड होगा और उससे बनेंगे क्या, स्पोरोजॉइट, और वो आपके लिए क्या होंगे, इन्फेक्टिव स्टेज। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी बच्चे ने पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैप्स मलेरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिलैप्स मलेरिया, आप एक लाइन याद रखें, रीअकरेंस आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, देखिए मैंने क्या बोला, किसके लिए बोल रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिलैप्स मलेरिया, डेफिनेशन क्या है, री एपियरेंस ऑफ क्या है, मलेरिया आफ्टर ट्रीटमेंट, बस आप इतनी सी लाइन याद रखें। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो सुनिए, जो मलेरिया है उसकी दो स्टेजेस होती हैं, अगर स्टेजेस की बात करोगे मलेरिया की स्टेजेस यानी प्लाज्मोडियम की स्टेजेस, ये लीजिए प्लाज्मोडियम स्टेजेस कितनी है, एक तो है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और दूसरी है एग्जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जो आपके ब्लड में यानी आरबीसी में मिलती हैं और ये मिलेंगी लिवर, दे आर इजिली डिस्ट्रॉयड, आरबीसी वाली स्टेजेस हैं ये इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और लिवर स्टेजेस इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो मान लिया आपने कोई मेडिसिन ली, उसके बाद मलेरिया हो गया था आपको, आपने मेडिसिन लिया और क्योर भी हो गए, आपको पता चला कि महीने भर बाद, दो महीने बाद आपको दोबारा मलेरिया हो गया, जबकि आपको पता है मुझे किसी फीमेल एनाफिलीज ने बाइट नहीं किया है, ठीक, तो ये आया कहां से, इसका मतलब जो आपको पहले मलेरिया हुआ था और उसको ट्रीट किया था अपन ने, बट वो कंप्लीटली ट्रीट नहीं हो पाया उसी को, और वही रीअपियर हो गया, उसी को मैंने बोला है रिलैप्स मलेरिया, ठीक। तो जो एक्जो एरिथ्रोसाइटिक, एक्जो मींस बाहर, एरिथ्रो माने आरबीसी के, आरबीसी के बाहर कहां मिलेंगे, लिवर में,
वो स्टेजेस हार्डली डिस्ट्रॉयड, देखो आप फिर से सुन लो, एक्जो एरिथ्रोसाइट स्टेजेस आर हार्डली डिस्ट्रॉयड एंड दे कैन रीअपियर एंड कॉज मलेरिया. सच मलेरिया इज कॉल्ड रिलैप्स मलेरिया. और केवल किसको छोड़ करके, फैल्सीपेरम को छोड़ करके सारी इस जो स्पीसीज हैं वो क्या काम कर सकती हैं, रिलैप्स मलेरिया कर सकती हैं. यानी अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मैं बोलूंगा प्लाज्मोडियम ओवेल प्लस प्लाज्मोडियम मलेरी प्लस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ये स्टेजेस या स्पीसीज रिलैप्स मलेरिया का कारण है. नेक्स्ट वन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट. तो ये जस्ट लर्निंग वर्क है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं. एम्फाइसेमा, लीजिए एम्फाइसेमा, ये लीजिए. और एम्फाइसेमा मैंने आपको इसके पहले बोल रखा है कि एम्फाइसेमा क्या होता है. ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई इज इक्वल टू, आपने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिए लेकिन मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल देता हूं. डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट एब्स, यानी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स, ये लीजिए. ठीक है ना, यानी फिशेस एम्फीबिया रेप्टिलिया मैमल के इक्वल है. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ अर्थ समित एंड वर्ल्ड समित, ये लीजिए. इन दोनों का पर्पस एक ही है, टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, ये लीजिए. ये जो अर्थ समित है ये हेल्ड हुई थी रियो डी जनेरो में 1992, और जो वर्ल्ड समिति है ये 2002 में हुई थी रियो डी जनेरो, सॉरी ये अर्थ समिति हुई थी 1992 में रियो डी जनेरो में, और वर्ल्ड समिति जो हुई थी 2002 इन जोहानसबर्ग. ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.